तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार में हम लोगों का बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। अभी दिन का 11:30 हो रहा है, फिर भी इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, इतना कुहासा छा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे समस्तीपुर जंक्शन में, जो कि आप देख सकते हैं। अब हम लोग जाएंगे अपने छपरा जंक्शन में, ट्रेन आने वाला है, हम वेट कर रहे हैं। ये हमारा सुख भी है, आपको जानते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, कटक जंक्शन पे। अब हम लोग जाने वाले हैं अपने गाँव में, आप जैसा कि देख सकते हैं। बंटी, तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने गांव यहां कटक जंक्शन से। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी ट्रेन हमारा 5 बजे आने वाला है। तो अभी हम लोग अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं, जो कि 5 बजे आने वाला है। तो अभी वेट करते ही रहेंगे हम लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं घर। और अभी हम लोग बर्नपुर में है, जो कि आसनसोल से कुछ दूरी पर पड़ता है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, पता नहीं किराया जल रहा है ट्रांसफार्मर में से, ये चिमनी है कि कोई मालूम नहीं है, इतना गंदा स्मेल आ रहा है इसमें से। और अभी हम लोग बिहार में एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड का मौसम है कि पता नहीं क्या बोलें। इतना ज़्यादा कुहासा छाया हुआ है कि सबको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, सुबह का 8 बज चुका है, हम लोग रात भर एकदम भावबाजी किए हैं, रात भर सी बकवास चला है, जो कि आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे समस्तीपुर जंक्शन में, जो कि आप देख सकते हैं। अब हम लोग जाएंगे अपने छपरा जंक्शन में, अभी ट्रेन आने वाला है, हम वेट कर रहे हैं। ये हमारा सुख है, आप पहुँचाते ही है इनको, देख सकते हैं। हम लोग जाने वाले हैं छपरा जंक्शन में, अभी ट्रेन आने में थोड़ी देर वेट है, तो वेट करते हैं तब तक। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग ट्रेन के पीछे भागे, लेकिन ट्रेन हमारा निकल चुका है बहुत आगे, तो हम दूसरा ट्रेन का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर। देख सकते हैं हमारा जो ट्रेन था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे था, उसको शिफ्ट कर दिया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, और हम लोग को जाने में भी टाइम लग रहा है यहाँ पे। पहले मेरा एक ट्रेन मिस हो गया है, अब दूसरा ट्रेन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, समस्तीपुर जंक्शन का स्टेशन पूरा लोगों से भरा हुआ है। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 2, और ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 3। अभी हम लोग को जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे नीचे, और वहाँ पे ट्रेन हमारे पता नहीं अभी तक नहीं आया है, पता नहीं क्या हुआ है ट्रेन को, बहुत ज़्यादा लेट हो गया हमारा ट्रेन के लिए। तो अब हम लोग जाएंगे, वेट करेंगे ट्रेन का, और जब तक आएगा नहीं तब तक हम वहाँ पे वेट करेंगे, तब तक मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ गए हैं, और अभी तक कोई ट्रेन का पता नहीं है, मालूम नहीं क्या हो गया ट्रेन को, ये इतना लेट हो गया है ट्रेन हमारा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने गांव के लिए, यहाँ पे पूरा ट्रेन खाली है, पूरा बोगी खाली है, सारा का सारी खाली है। हम लोग अब यहाँ से 3 बजे पहुँचेंगे अपने गांव में, उसके बाद वहाँ से गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे आगे की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिहार में हम लोगों का बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। अभी 11:30 हो रहा है, फिर भी इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, इतना कुहासा छा गया है, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम लोग ढोली स्टेशन पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर ट्रेन रुका हुआ है, और कुछ देर में खुलेगा आगे के लिए, मुजफ्फरपुर जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने आगे के लिए आएंगे। सुबह अभी हम लोग यहाँ पे मुजफ्फरपुर जंक्शन में आए हुए हैं, जो कि बहुत सारा जंक्शन है यहाँ पे। अभी इसके बाद और 3 स्टॉप है, उसके बाद हम लोगों का गांव आएगा, तो हम लोग जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, अभी हम लोग मुजफ्फरपुर जंक्शन में आए हुए हैं, यहाँ पे हम लोगों का ट्रेन रुका हुआ है, देख सकते हैं दूसरा ट्रेन आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस, जो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग गुरौल में पहुंचे हुए हैं,
क्योंकि बहुत बड़ा चश्मा लग रहा है देखने में, देखना पड़ेगा ये है कि नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा दिगवाड़ा का पुल है जो कि देख सकते हैं। पूरा नीचे पानी भरा हुआ है एकदम आगे से लेकर उतना दूर तक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा सोनपुर का मेला जो कि बहुत ही बड़ा था लेकिन शूट ही नहीं हो पाया भाई, यार सब गड़बड़ हो गया। थोड़ी तेजी तो होई दिख रही, ये रहा सोनपुर का मेला देख सकते हैं आप लोग। खराब हो गया, सारा मजा खराब हो गया। गाइस अभी हम लोग आने ही वाले हैं अपने गांव में, देख सकते हैं आप। ये रहा हमारा छपड़ा का ग्रामीण जंक्शन, आगे आने वाला हम लोग का छपड़ा का मेन जंक्शन। सो फाइनली गाइज हम लोग वापस आ चुके हैं अपने गांव में छपड़ा जंक्शन में। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, थैंक यू।